हेलो स्टूडेंट सब क्लास नाइन, पिछले लेक्चर में आपको सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नाइन से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो चैप्टर के अंत में एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर फाइव तक आपको सॉल्व किया गया था। आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम एक्सरसाइज गिवन एट द एंड ऑफ चैप्टर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ठीक। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको दिया हुआ है ए स्टोन ऑफ 1 kg, ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन With a velocity of 20 meters per second across the frozen surface. Surface of a lake, and comes to rest after traveling. A distance of 50 meters. What is the force of friction between the vertices? The force of friction between a stone and ice. Check. तो आप देखो यहाँ पर एक झील है, एक लेक है, ये आप जानते हो कि विंटर सीजन में अपर अपर सरफेस ऑफ लेक फ्रीज कर जाता है, जम जाता है। एक पत्थर स्टोन इस सरफेस के लोग वेलोसिटी यू 20 meters per second से टकरा जाता है, ठीक है। और आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस 50 meters यहाँ पर उसका वहाँ रुक जाता है, वेलोसिटी जीरो होता है, ठीक है। तो इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? ये आइस है और ये स्टोन है फेंका गया है, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? तो आप पहले न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करो, तो पहले क्या करना है, क्या गिवन डाटा फ्रॉम क्वेश्चन आप नोट कर लो।
उस समय क्या इंफॉर्मेशन है आपको नोट कर लो. तो गिवन हुआ यहाँ पर यू इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, वी इज इक्वल टू जीरो, एस डिस्टेंस कवर 50 मीटर और मास इज इक्वल टू 1 केजी. ठीक है ना, देखो मास इक्वल टू 1 केजी और एफ इज इक्वल टू हार्ट, इसी को आपको निकालना है फोर्स कितना लगेगा. तो यू नो फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एम ए फोर्स एम ए होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो आपको मास इज गिवन, मास इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन बट ए इज नॉट गिवन. तो यू शुड फाइंड एक्सेलरेशन फर्स्ट. तो सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन. तो यूजीन अब देखिए यू वी एस और फाइंड क्या करना है एक्सेलरेशन. पहले फर्स्ट क्या करना है आपको एक्सेलरेशन निकालना है. इसमें ए नहीं, ए मालूम होने से ही आपको ये होगा फोर्स निकलेगा. तो इस यू वी एस और ए में कौन फार्मूला सुटेबल है, तो वह फार्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस. इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू यू जीरो वी जीरो जीरो स्क्वायर 20 स्क्वायर टू ए 50. ठीक है, तो आपको मिलेगा ए इज इक्वल टू ये कितना मिल जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 400 ये हो गया, अब 52 जाइए 100 हो गया, ये हो गया क्लियर. माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो फोर्स ऑन दी स्टोन, फोर्स ऑन दी स्टोन एम ए, एम ए मास इज 1, एक्सेलरेशन इज माइनस 4, हो गया आपका माइनस 4 न्यूटन. नेगेटिव साइन शो दैट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट दी डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में है. ए एट 8000 केजी इंजन, 8000 केजी इंजन pulls a train of 5 wagons each of 2000 along a horizontal along a horizontal track if the engine exert a force force of 40,000 newton
and the track, track of restriction offers a friction, friction force of friction force of 5,000 newton. Then दो क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेट ए नेट accelerating force, net accelerating force, dusra the acceleration of the train, dusra question hai, the acceleration of train, do question hai, theek hai. ठीक है तो यहाँ पर आइए सॉल्यूशन आ जाओ यहाँ पर फोर्स अप्लाइड बाय इंजन 40,000 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 5,000 न्यूटन दो ये दोनों फोर्स जो है दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है इंजन जो फोर्स अप्लाई करता है उसका डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या हो जाएगा एक्सेलरेटिंग फोर्स हो जाएगा तो जब दो फोर्स अलोंग सेम लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन होता है तो उसका रिजल्टेंट दोनों का डिफरेंस के इक्वल होता है ठीक है तो हम यहाँ पर एक्सेलरेटिंग फोर्स दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 5,000 न्यूटन कितना हो गया 35,000 न्यूटन ये हो गया एक्सेलरेटिंग फोर्स हो गया ठीक नेक्स्ट जो है आपको एक्सेलरेशन इन द ट्रेन निकालना है ट्रेन होल ट्रेन मैचरेशन तो यहाँ पर टोटल मास कितना हो गया टोटल मास मास ऑफ इंजन प्लस मास ऑफ फाइव बैगन्स तो टोटल मास हो गया आपको देखो यह है मास ऑफ इंजन 8,000 और ईच वैगन का मास है 2,000 kg तो यहाँ हो गया आपका 8,000 इंजन का प्लस 2,000 kg इंजन का पर ये वैगन होता है बॉगी जिसको आप कहते हैं कंपार्टमेंट तो ये हो गया आपका 5
फाइव बैगन्स है, फाइव बैगन्स है, प्रत्येक बैगन का 2000 केजी मास है, इंजन का मास 8000 केजी है, टोटल आपका ये हो जाएगा मीन्स 18 ये हो गया 8000 हो गया 8000 और प्लस 5 टू जा 10 ये 10000 तो हो गया आपका 18000 18000 18000 केजी टोटल मास हो गया एक्सेलरेशन इन दी ट्रेन एक्सेलरेशन इन ट्रेन और क्या होता है मास बाई फोर्स होगा मास बाई फोर्स मास हो गया आपका उल्टा लिखिए फोर्स फोर्स बाई मास फोर्स बाई मास तो फोर्स हो गया आपका एक्सेलरेटिंग फोर्स 35000 बाई ये मास हो गया आपका 18000 18000 अब इसको डिवाइड कीजिए डिवाइड कीजिएगा तो आपको मिलेगा one point nine four four meter per second square in your acceleration. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका क्वेश्चन 8 एन ऑटो मोबाइल व्हीकल अकेल हैज ए मास मास ऑफ 1500 kg व्हाट मस्ट बी अ फोर्स व्हाट मस्ट बी द फोर्स force between the vehicle and road If the vehicle is to be, is to be a
Doğru. Bedeni getiriyor. Bedeni getiriyor, seyredersen. Of 1.7 meter per second squared. ठीक है. Question तो ये बहुत easy है. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. इन ऑटो में वाला मास 1500 केजी बिना बहुत मस्ट बी फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द स्टॉप विद ए नेगेटिव एक्सीलरेशन. तो ये तो बहुत इजी है. हियर सॉल्यूशन है गिवन मास mass is equal to 1500 kg. Acceleration mass ho gaya m small c denote kijiye a ho gaya minus 1.7 meter per second square. नेगेटिव एक्सेलरेशन है ठीक है. तो फोर्स एम ए होता एम ए 1500 इंटू 1.7 इंटू और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. दो जीरो यहाँ जाएगा 25-50 आंसर हो गया. ठीक है. तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसी तरफ से सॉल्व कीजिए. ठीक है. रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मिल सकता है. थैंक यू. बाय.